हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही छोटे से प्लॉट के बारे में, जिसका साइज 16 फिट बाई 40 फिट है, जिसको हमने 1 BHK प्लान किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरफ ये हमारा रोड रहेगा, यहाँ से हमारी एंट्री होती है। एंट्री करते ही हमने स्टेयरकेस डिजाइन किया हुआ है, यहाँ से हमारा स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा। एंट्री हमारी 6 फिट चौड़ी रहेगी और फ्रेंड्स, एंट्री के नीचे ही ये हमारा पोर्च रहेगा, तो यहाँ आप अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं। यहाँ से आप घर में एंट्री करते हैं और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर के लिए सेपरेटली चला जाता है। तो एंट्री करते ही ये मिलेगा आपके लिए लिविंग हॉल। ये पूरा एरिया हमारा लिविंग हॉल रहेगा, जिसमें इस तरफ हमारा सोफा सेट रहेगा, सिटिंग एरिया। यहाँ हमारा डाइनिंग टेबल है और फ्रेंड्स, इसका जो साइज है 15 फिट 3 इंच बाई 9 फिट 2 इंच है। यहाँ हमने किचन डिजाइन किया हुआ है, मेन फ्रंट पर ही। किचन का साइज 8 फिट 10 इंच बाई 9 फिट है। किचन में ये हमारा गैस स्टोव, ये सिंक रहेगा। यू टाइप का हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा किचन का। किचन का वेंटिलेशन हमने रोड की साइड दे रखा है, ये हमारा 3 फिट चौड़ा विंडो रहेगा। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये एंट्री होती है हमारी बेडरूम में। बेडरूम का साइज 15 फिट 3 इंच बाई 10 फिट है। बेडरूम में ये हमारा बेड रहेगा, जो कि डबल बेड रहेगा, और ये हमारा टीवी यूनिट रहेगा बेड के सामने वाली वॉल पर, और इस वॉल पर हमारा वार्डरोब रहेगा, यानी स्टोरेज सामान, कपड़े वगैरह रखने के लिए। यहाँ फ्रेंड्स, विंडो रहेगा वेंटिलेशन के लिए, जिससे आप बेडरूम में यहाँ से कूलर वगैरह लगा सकते हैं। ये पीछे हमारा OTS रहेगा 8 फिट बाई 5 फिट का, जिसमें जाने के लिए हमने बेडरूम से रास्ता दे रखा है, और यहाँ आप वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, और बेडरूम से होते हुए आप जाएंगे टॉयलेट में। ये हमारा फ्रेंड्स टॉयलेट रहेगा 7 फिट बाई 5 फिट का। एक सिंगल फैमिली के लिए, छोटी फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छा नक्शा है, आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।